अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, साइन इनवर्स रूट अंडर थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखिए वैल्यू क्या आएगी, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, यही है। इधर इसको ले आएंगे साइन वाई इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन, सेपरेट कर देते हैं, टू रूट टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। साइन वाई इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई रूट टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई रूट टू, ऐसे भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस y साइन को उधर लेके चले जाते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए पहले वाले में से रूट थ्री बाई टू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पहले वाले में से तो रूट थ्री बाई टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई रूट टू का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो वन बाई रूट टू ही तो होगा, रूट टू का स्क्वायर देखिए कैसे होगा, टू हो गया इधर, स्क्वायर रूट खत्म होगा तो ये टू होगा ना, तो टू एलसीएम लिए तो दो में से एक गया एक, और ये रूट टू था तो वन बाई रूट टू बचेगा इधर, माइनस इधर वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, तो भी वन बाई रूट टू ही बचेगा। देखिए कैसे, थ्री और नीचे चार, तो चार है ये, तो चार में से तीन गया एक हुआ, और नी ऊपर क्या था, सॉरी इधर हम लेंगे वन बाय रूट टू कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए कि ऊपर तीन और नीचे चार, स्क्वायर से हटेगा तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, चार माइनस तीन एक, अब नीचे चार था तो चार का जब रूट है तो दो बचेगा। इसको मैं एक स्टेप पे फर्दर मैं करके आपको दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा करते कैसे हैं। रूट थ्री बाई टू कॉमन लिया मैंने पहले वाले में से, देखिए हमें यहाँ पे आना क्या चाहिए, वन बाई रूट टू आना चाहिए, और यहाँ पे अगर वन बाई रूट टू कॉमन लिया तो वन बाई टू आना चाहिए, हमें लाना यही है ना। पहले ये पता होना चाहिए, जब सवाल को हम सॉल्व कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और उससे रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला में देखते हैं, वन माइनस वन अपॉन टू, यही है, माइनस वन बाय रूट टू इधर, वन माइनस थ्री अपॉन फोर करेंगे तो रूट थ्री बाई टू रूट अंडर टू माइनस वन वन बाई टू माइनस वन बाई रूट टू रूट अंडर, चार में से तीन गया एक, एक बटा चार, अब क्या होगा, रूट थ्री बाई टू इंटू वन बाई रूट टू होगा इधर, माइनस वन बाई रूट टू इंटू वन बाई टू होगा, यही तो है, और इसी को मैंने इस तरीके से लिखा है। तो इस तरीके से लिखने का एक रीज़न है, ऐसे ही आँख बंद करके नहीं लिखा है, लिखने का रीज़न ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर हो माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ये है अपना एक फॉर्मूला, और यही फॉर्मूले पे ये देखिए साइन इनवर्स एक्स इसको माना हमने तो रूट थ्री बाई टू माइनस वाई इसको माना है वन बाई रूट टू को तो वाई स्क्वायर माइनस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा इधर, साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू होगा माइनस साइन
इनवर्स 1/√2 होगा। अब साइन √3/2 क्या होता है? π/3। और ये 1/√2 क्या होता है? π/4। तो क्या होगा, एलसीएम ले लें 12 4π − 3π = π/12। यही अपना आंसर है। ठीक है, थैंक यू।